श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड अध्याय 50 जटायु का रावण को सीताहरण के दुष्कर्म से निवृत्त होने के लिए समझाना और अंत में युद्ध के लिए ललकारना। जटायु उस समय सो रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने सीता की वह करुण पुकार सुनी। सुनते ही तुरंत आंख खोलकर उन्होंने विदेहनंदिनी सीता तथा रावण को देखा। पक्षियों में श्रेष्ठ श्री मां जटायु का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उनकी चोंच बड़ी ही तीखी थी। वे पेड़ पर बैठे ही बैठे रावण को लक्ष्य करके ये शुभ वचन बोले। दशमुख रावण, मैं प्राचीन सनातन धर्म में स्थित सत्य प्रतिज्ञ और महाबलवान गृद्धराज हूँ। मेरा नाम जटायु है। भैया, इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहने वाले हैं। ये उन्हीं जगदीश्वर श्री राम की यशस्विनी धर्मपत्नी है। इन सुंदर शरीर वाली देवी का नाम सीता है, जिन्हें तुम हर कर ले जाना चाहते हो। अपने धर्म में स्थित रहने वाला कोई भी राजा भला पराई स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है? महाबली रावण, राजाओं की स्त्रियों की तो सभी को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। पराई स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति प्राप्त होने वाली है, उसे अपने आप से दूर हटा दो। धीर बुद्धिमान वो कर्म न करे जिसकी दूसरे लोग निंदा करें। जैसे पराये पुरुषों के स्पर्श से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए। पुलस्त्य कुलनंदन, जिनकी शास्त्रों में चर्चा नहीं है, ऐसे धर्म अर्थ अथवा काम का भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजा की देखा देखी आचरण करने लगते हैं, अतः राजा को अनुचित या अशास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। राजा धर्म और काम का प्रवर्तक तथा द्रव्यों की उत्तम निधि है, अतः धर्म सदाचार अथवा पाप इनकी प्रवृत्ति का मूल कारण राजा ही है। राक्षसराज, जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है और तुम इतने चपल हो, तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया? जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता है, उसके उस स्वभाव का परिमार्जन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुष्टात्माओं के घर में दीर्घ काल के बाद भी पुण्य का आवास नहीं होता। जब महाबली धर्मात्मा श्री राम तुम्हारे राज्य अथवा नगर में कोई अपराध नहीं करते हैं, तब तुम उनका अपराध कैसे कर रहे हो? यदि पहले शूर्पनखा का बदला लेने के लिए चढ़कर आए हुए अत्याचारी खर का अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने वध किया, तो तुम ही ठीक ठीक बताओ कि इसमें श्री राम का क्या अपराध है जिससे तुम उन जगदीश्वर की पत्नी को हर ले जाना चाहते हो? रावण, अब शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता को छोड़ दो, जिससे श्री रामचंद्र जी अपनी अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म न कर डालें। जैसे इंद्र का वज्र वृत्रासुर का विनाश कर डाला था, उसी प्रकार श्री राम की रोषपूर्ण दृष्टि दग्ध कर डालेगी। तुमने अपने कपड़े में विषधर सर्प को बांध लिया है, फिर भी इस बात को समझ नहीं पाते हो। तुमने अपने गले में मौत की फांसी डाल ली है, फिर भी यह तुम्हें सूझ नहीं रहा है। सौम्य, पुरुष को उतना ही बोझ उठाना चाहिए जो उसे शिथिल न कर दे, और वही अन्न भोजन करना चाहिए जो पेट में जाकर पच जाए, रोग न पैदा करे। जो कार्य करने से न तो धर्म होता हो, न कीर्ति बढ़ती हो और न अक्षय यश ही प्राप्त होता हो, उल्टे शरीर को खेद हो रहा हो, उस कर्म का अनुष्ठान कौन करेगा? रावण, बाप दादों से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करते हुए मुझे जन्म से लेकर अब तक 60,000 वर्ष बीत गए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम नवयुवक हो। मेरे पास कोई युद्ध का साधन नहीं है, किंतु तुम्हारे पास धनुष कवच बाण तथा रथ सब कुछ है, फिर भी तुम सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकोगे। मेरे देखते देखते तुम विदेहनंदिनी सीता का बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह जैसे कोई न्यायसंगत हेतुओं से सत्य सिद्ध हुई वैदिक श्रुति को अपनी युक्तियों के बल पर पलट नहीं सकता। रावण, यदि शूरवीर हो तो युद्ध करो। मेरे सामने 2 घड़ी ठहर जाओ, फिर जैसे पहले खर मारा गया था
उसी प्रकार तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए सो जाओगे। जिन्होंने युद्ध में अनेक बार दैत्यों और दानवों का वध किया है, वे चीर वस्त्रधारी भगवान श्री राम तुम्हारा भी शीघ्र ही युद्ध भूमि में विनाश करेंगे। इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? वे दोनों राजकुमार बहुत दूर चले गए हैं। नीच, यदि मैं उन्हें बुलाने जाऊँ तो तुम उन दोनों से भयभीत होकर शीघ्र ही भाग जाओगे, आँखों से ओझल हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। कमल के समान नेत्रों वाली ये शुभलक्षणा सीता श्री रामचंद्र जी की प्यारी पटरानी है। इन्हें मेरे जीते जी तुम नहीं ले जाने पाओगे। मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्री राम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना होगा। दशमुख रावण, ठहरो ठहरो, केवल दो घड़ी रुक जाओ, फिर देखो, जैसे डंठल से फल गिरता है, उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथ से नीचे गिराए देता हूँ। निशाचर, अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में मैं तुम्हारा पूरा आतिथ्य सत्कार करूँगा, तुम्हें भली भांति भेंट पूजा दूंगा।